हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज का चीला, स्प्रिंग ऑनियन का चीला। इसे हमारी भाषा में बोलें तो इसे पतोड़ी बोलते हैं, गढ़वाली में प्याज की रोटी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम फ्रेश प्याज के पत्ते तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज के पत्ते लगे हुए हैं, स्प्रिंग ऑनियन जिसे आप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग जगह इसे अलग अलग भाषा में बोला जाता है, और हमारे यहाँ इस रेसिपी को बोलते हैं प्याज की पतूड़ी। तो हमने ये प्याज के पत्ते तोड़ लिए हैं, देख रहे हैं आप कितने फ्रेश हैं, कितने अच्छे से पत्ते हो रखे थे। तो इन्हें अब हम धो लेते हैं एक दो पानी से, अच्छे से साफ पानी से। उसके बाद हम इनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अब चलेंगे हम पार्ट सेकेंड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हम सबसे पहले प्याज के पत्ते ऐड कर देंगे। तो मैं दो मुट्ठी प्याज के पत्ते इसमें डाल रही हूँ। अगर आप कटोरी से डालें तो दो कटोरी या दो कप प्याज के पत्ते आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी आटा, गेहूँ का आटा जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं डेली में। और अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा हम हल्दी इसमें डालेंगे। और अब पानी की हेल्प से इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बन जाता अच्छे से पतोड़ी बनाने के लिए, तब तक हम इसमें पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर आपका कुछ होना चाहिए। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम 20 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा के देखेंगे, पानी ऊपर आ गया है और इसके प्याज के जो पत्ते थे वो सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसको इस तरह से चला के देखेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा सा थिक लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। अब हम मीडियम आंच में एक पैन रख लेंगे, नॉनस्टिक पैन हम रखेंगे, उसमें हम घी या बटर लगा लेंगे। बहुत थोड़ा सा घी या बटर का यूज़ करना है, और इस तरह से हम एक एक करछी डालेंगे। आपको जितना भी बड़ा बनाना है, थोड़ा हमें मीडियम साइज़ का बनाना है, तो हम दो करछी ले रहे हैं और इस तरह से हल्के हाथ से इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद अब हमें इसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको मीडियम आँच में हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऐसा ना हो जाए। देख रहे होंगे आप कि ऊपर से हल्का हल्का सा पक गया है। अभी हम इसे थोड़ी देर और रहने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से आपको जैसे ही ये सूखा सूखा सा लगे, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से कुक हो गया। अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए, अब दूसरी साइड आपको घी या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसे इसी तरह से दोनों तरफ से सेक के हम निकाल लेंगे। और ये हो गया आपका गर्मा गर्म स्प्रिंग ऑनियन का चीला बन के रेडी। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे चीले बना लेंगे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गर्मा गर्म बहुत सारे चीले बना के रेडी कर लिए हैं, यानी प्याज की पतूड़ी। और आप इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बहुत पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी प्याज का चीला पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपको एक ऐसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, जय माता दी।